हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी टिक्की। तो आज हम सीखने वाले हैं पोड़ो पिठा। उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए पहले देख लीजिए। एक बड़ा सा बाउल कद्दू, बॉईल किया हुआ कद्दू, और उसके बराबर पिसा हुआ चावल का आटा, गुड़ स्वाद अनुसार, कुछ कसा हुआ नारियल और कुछ कटा हुआ नारियल, और उसके साथ ही ये देखिए मेन सामग्री, कसा हुआ अदरक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का, और काली मिर्च का पाउडर, इलायची का पाउडर, तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक। तो कोई सा भी मीठा बनाए थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी होता है उसका स्वीटनेस बढ़ाने के लिए। तो इतना सामग्री हो गया हमारा। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग करते हैं चलिए देखते हैं। और गैस हमारा ऑन हो गया, उसके साथ कढ़ाई हमने चढ़ा लिया है, और कढ़ाई में डाले हैं थोड़े से पानी। ये तेल वगैरह कुछ नहीं डलेगा, पानी डला हुआ है एक छोटे से कटोरी में। अभी इस पानी को अच्छे से उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद ही इसका कुछ और आगे प्रोसेसिंग होगा। देखिए सारे मसाले सामग्री हम डाल देंगे इसमें। पहले तो बताई थी क्या क्या इसमें डल रहा है, तो देख के भी आपको पता चल जा रहा होगा। तो ये सब हम डाल देंगे। हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी, वीडियो में कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है जो कि मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा। होता है कई बार ऐसा कि हम मतलब मिस हो जाता है कुछ क्लिप वगैरह, या फिर रिकॉर्डिंग किया हुआ है हमें लगता है लेकिन नहीं हो पाता है। देखिए ये थोड़ा मिसिंग हो गया, तो उसको उबाल आने के बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हमने बाकी कद्दू को डाल दिया, सारे नारियल, कसा हुआ नारियल और कटा हुआ नारियल, ये सबको डाल दिया। बस इतना ही है। देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। बस ये हमारा जो है उड़िया का स्पेशल रेसिपी है, खास करके ये जो मार्गशीर महीना है, कार्तिक के बाद मार्गशीर महीना है, इसमें लक्ष्मी जी का पूजा होता है तो बहुत मान्यता है। इस महीने में ये खास करके हमारे गुरुवार के दिन श्री भगवान जी को, जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनका सबसे प्रिय भोग है ये। एक्चुअली इसको पोड़ो पिठा कई तरीके से बनता है, मतलब उड़द के दाल से जो उसको भिगो के उस तरीके से भी बनाया जाता है सुविधा के लिए, लेकिन ट्रेडिशनल प्रथा जो है यही है। इससे पहले बात करते करते मैं मतलब बोलना भूल गई, उससे पहले मैं गुड़ भी मिला ली थी, आप देख के जान पा रहे होंगे। और उसके बाद देखिए गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद, ये जो चावल को मिलाने का तरीका ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि वो गांठ बांध लेता है, इसीलिए एक हाथ से ऐसे पतीले को चलाते हुए, आप कुछ भी पकड़ के ऐसे चलाते हुए, और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्प्रेड करते हुए आपको डालना होगा सारा। तो ऐसे ऐसे ही मैं करते जा रही हूँ, आप देखिए। तो ऐसे ऐसे मिलाते मिलाते बस इसके बाद भी कुछ छूट गया है, क्योंकि देखिए इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे बीच में कुछ छूट गया था, जैसे पम्पकिन डालना, कुछ कुछ ऐसे होता है, इसी के कारण ही ये वीडियो बहुत दिन तक ऐसे ही रह गया। अभी महीना चल रहा है तो पूजा का महीना, तो मुझे लगा शेयर कर लूँ। तो चलिए, तो देखिए इसको ना हम अच्छे से मतलब पक जाने के बाद, ये चावल का आटा अच्छे से पक जाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको थोड़ा सा इसका जो बांफ है उसे खुला छोड़ देंगे थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के लिए। उसी बीच में और इसके बाद उसी बीच में और दूसरा प्रोसेसिंग है तो उसे भी कर लेते हैं। देखिए उसके बाद ये उतार के हम गैस में, तो एक मोटे से पतीले में इसको बनाया जाता है, लोहे के कढ़ाई या फिर लोहे के कुछ बर्तन से बनाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैंने कुछ इस तरह का जुगाड़ लगाया। देखिए लोहे के तावा के ऊपर ये जो पतीला है बहुत पतला है, सिल्वर का है, तो फिर भी मैंने इसी से ही काम चला लिया। तो जैसे कि मैंने कहा था कुछ छूट गया है, और कुछ नहीं किया मैंने, केले के पत्ते अच्छे से उसके अंदर डाल के उसके बाद घी या तेल से थोड़ा उसको मोइन कर दीजिए, और उसके बाद मैंने डाल दिया ये बैटर। उसके बाद आप एक घंटा डेढ़ घंटा तक बीच में चेक करके आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं देखिए मैं ये निकाल रही हूँ, ऊपर भी, उसके ऊपर भी केले के पत्ते से अच्छे से ढक दीजिए।
और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। चेक तो कैसे करते हैं आपको पता है, टूथपिक डाल के या फिर वो कुछ भी नोकीला चीज़ डाल के अगर वो क्लीन आता है तो समझे ये हो गया है। हाँ, नीचे तो नीचे इसका कालापन रहेगा एक लेयर मोटा सा, क्योंकि ये पोड़ो पीठा बोला जाता है तो ये तो होगा ही। देखिए ये अभी उसका सारा पत्ता वगैरह निकाला जा रहा है। ये हमारा पोड़ो पीठा पूरी तरह से तैयार है प्रसाद चढ़ाने के लिए। हाँ, और एक बात, आप जो फाइनली चढ़ाएंगे इसको तावे के ऊपर आंच उससे पहले ही, इसको मतलब बैटर डालने से पहले 10 से 15 मिनट तक गर्म कर लीजिएगा, गर्म करके छोड़िएगा, उसके ऊपर ही ये सब प्रोसेसिंग होगा। और आप धीमी आंच पे ही उसको एक घंटा या डेढ़ घंटा मतलब गैस धीमी करके ही छोड़िएगा। ओके देन, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना।